एक बात पूछना था कि सुशांत मामले में महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को केस देने से क्यों हिचकिचा रही है? मैम, मुंबई पुलिस में 9 जून को दिशा सलियान ने आत्महत्या का मामला आया था और उसके 5 दिन बाद 14 जून को सुशांत राजपूत की आत्महत्या। ये दोनों मामले साथ में कनेक्टेड है और इस मामले में कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल लोग शामिल है, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लगता है कि सीबीआई अगर इस मामले में आ जाती है तो फिर वो बेनकाब हो जाएगी। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि मुंबई पुलिस जांच में समर्थ है, लेकिन अगर मुंबई पुलिस जांच में समर्थ है तब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये भी एक सवाल सबके सामने आ रहा है। हाँ, क्या सुशांत मामले बॉलीवुड माफिया का हाथ है? मैम, बॉलीवुड में कुछ ऐसे फैमिलीज है जिन्होंने बॉलीवुड पर अधिकार करके रखा है और जो नए नए आर्टिस्ट आते, जो नए नए कलाकार आते हैं दूसरे शहरों से, छोटे शहरों से, उनको बॉलीवुड का देखो, क्योंकि बॉलीवुड को ये कुछ चंद परिवार बॉलीवुड को अपनी जागीर समझते हैं, तो हो सकता है कि इसमें बॉलीवुड माफिया का हाथ हो, ऐसा पूरा देश बोल रहा है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। एक बात और है कि बिहार के जो डीजीपी हैं उन्होंने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रही है। जी मैम, क्योंकि बिहार पुलिस ने जब पटना में FIR लॉन्च हुई थी उसके बाद बिहार पुलिस की 4 सदस्यों की एक टीम मुंबई के लिए रवाना हुई थी और मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को न तो वाहन मुहैया कराया था, न ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के DCP अकबर पठान ने बिहार पुलिस से मुलाकात की और बिहार पुलिस को ऑटो में जाना पड़ा, बिहार पुलिस को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया। पटना के SP IPS विनय तिवारी जी जब मुंबई आते हैं तो मुंबई BMC ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका उन्हें रात को 11 बजे उनके घर में जाके उनको क्वारंटाइन कर देती है, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस सच को दबाने में जुटी हुई है। तो क्या सुशांत सिंह मामले में मुंबई पुलिस को छुपा रही है? जी मैम, ऐसा सब कह रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया, विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं दिया, दिशा सलियान ने आत्महत्या की तो उसमें बिहार पुलिस जब मुंबई पुलिस से रिपोर्ट मांगती तो मुंबई पुलिस का कहना है कि वो फाइल उनकी डिलीट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस इस मामले में कुछ छुपा रही है क्योंकि इस मामले में कई नामचीन चेहरे शामिल है और कहीं ना कहीं दिशा और सुशांत का मर्डर हुआ है, लेकिन ये मर्डर एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। और इसमें कहा भी जा रहा है कि बिहार सरकार की CBI जांच की सिफारिश का केंद्र सरकार ने स्वीकार तो कर लिया है, तो क्या ये जो रिया चक्रवर्ती है इनकी मुसीबतें बढ़ रही है इसमें? जी मैम, क्योंकि आज ही ईडी के द्वारा रिया चक्रवर्ती से अभी भी पूछताछ जारी है और CBI ने इस मामले में एक SIT गठित कर ली है और CBI सबसे पहले बिहार पुलिस से जानकारी साझा करके मुंबई में जाएगी और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का नाम भी इसमें आ रहा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने रिया चक्रवर्ती पे आरोप लगाया कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से निकाल लिए और रिया चक्रवर्ती सुशांत पर काला जादू भी करवा दी थी, ब्लैक मैजिक, और उन्होंने सुशांत को अपने घर वालों से दूर भी किया था। ऐसे कई सारे गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पे लग रहे हैं, तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और रिया चक्रवर्ती से फिलहाल अभी मुंबई में ईडी पूछताछ कर रही है, अभी भी पूछताछ जारी है। दिशा सलियान और सुशांत सिंह राजपूत का जो आत्महत्या का केस है, क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है? मैम, दोनों है तो अलग, लेकिन मामला एक ही लग रहा है क्योंकि दिशा सलियान सुशांत की पूर्व मैनेजर थी और सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें भी आ रही है कि दिशा ने सुशांत को फोन किया था और दिशा की हत्या हुई थी, और लेकिन रिया चक्रवर्ती दिशा को भी जानती थी और सुशांत को भी जानती थी और सूरज पंचोली पे जिनपे ये आरोप लगा है कि उन्होंने दिशा के साथ दुष्कर्म किया था, उन्होंने भी सफाई दी है कि उस समय कोई पार्टी नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था, ये सारे आरोप गलत है। लेकिन सुशांत और दिशा एक दूसरे को जानते थे, दोनों अच्छे दोस्त थे, दिशा सुशांत की पूर्व मैनेजर भी थी, इसलिए कहीं ना कहीं सुशांत की आत्महत्या का कनेक्शन दिशा सलियान की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है और ऐसा कुछ है जो मुंबई पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब ने कहा था कि इस केस को किसी भी हालत में CBI को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, लेकिन बिहार सरकार की सिफारिश पे केस CBI को तो जा चुका है अभी, तो अभी सारी सच्चाई CBI और ED बाहर लेकर आएगी कि ये मामला आखिर क्यों हुआ। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।